अभी तीन दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर इन जनपदों में ले गया था, बड़ी गर्मी थी। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया। तो कुछ इस तरह सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर के लिए 1718 करोड़ की 124 योजनाओं की सौगात यहां के लोगों को दी। दरअसल नोएडा स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों से वो पूर्वांचल के कुछ जिलों के दौरे पर हैं, अब जहां उन्होंने काफी भीषण गर्मी महसूस की। नोएडा आने से पहले सीएम योगी सोच रहे थे कि यहां भी गर्मी होगी, लेकिन बारिश की वजह से आए बदलाव को उन्होंने माफियाओं से जोड़ दिया। भैया बहनों, 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे, मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी तीन दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर इन जनपदों में मैं गया था, बड़ी गर्मी थी। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। इसके अलावा नोएडा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इन्हीं उपलब्धियों के दम पे 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पहले लोग नोएडा आने में संकोच करते थे, यहाँ की बजाय दिल्ली में रहना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। पिछले 6 साल में स्थिति काफी बदली है। सीएम योगी ने आगे कहा कि हर भारतवासी जनवरी 2024 के इंतजार में है, जब अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। आपको बता दें कि नोएडा के लोगों को 1718 करोड़ की योजनाओं में नोएडा सेक्टर 123 में 142 करोड़ की लागत से निर्मित सब स्टेशन, नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला पर्थला चौक के अपर केबल फ्लाईओवर, सेक्टर 78 में वेदवन पार्क जैसे विकास कार्य शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।